धन्यवाद मंडा हमारी सर एक यहाँ पे भाजपा की गवर्नमेंट जब से आई है तब से आपको लगता है कि फिल्म में इनसिक्योरेंस लोग रिलीज करने के पहले प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है जानबूझ के की जा रही है तो क्या लगता है जो गवर्नमेंट विशेष है उसके आपका कुछ कहना है? नहीं, मैं व्यक्ति विशेष के बारे में बात करूंगा। अगर इस गवर्नमेंट की बात होती तो हमारे फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलते, हमें भी कई सारे कटों से गुजरना पड़ता, लेकिन इस फिल्म को बकायदा मुझे लगता है कि बिना किसी रुकावट के बिना किसी परेशानी के इसको सेंसर ने पास किया है और बकायदा मतलब सबको देखने के हिसाब से पास किया है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं इस फिल्म से, उनको लगता है कि ऐसा कर देंगे और कुछ दिन तक हमें भी हाइप मिल जाएगा और चल जाएगा, ये तो उन्होंने कर दिया, उसका नुकसान हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है साहब। ये लोग कौन है? वही मतलब नहीं कहा कि एक खास व्यक्ति के बारे में बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, लोग बताते हैं तेन भाई, लोग भी बताना जरूरी है क्योंकि लोग बड़ा ही कद्दावर आदमी है और बड़ा रिस्पेक्ट है क्योंकि एक आदमी राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत संघर्ष करके बहुत ऊपर पहुंचता है और उनका एक नाम है और उनका ऐसा वैसा नाम नहीं है, संगीत सोम उनको लोग बोलते हैं, एमएलए हैं, बड़े बहुत दबंग आदमी हैं, लेकिन एक राजनीतिक मतलब एमएलए होने का मतलब है आप समाज सेवक भी हैं, तो समाज की सेवा कीजिए। समाज में आप अगर इस तरह का दुष्प्रचार करेंगे कि ये फिल्म हमारी छवि को खराब करने के लिए बनाया गया है तो ये गलत है। एक वक्त आया था कि उन पे काफी एलिगेशंस भी लगे थे मुजफ्फरनगर जब दंगे हुए थे, तो क्या लगता है कि वो भी चीजें दिखाई गई उसकी वजह से परेशानियां क्रिएट हो रही हैं या आपने मुसलमानों को इस फिल्म में पॉजिटिव रूप में दिखाने की कोशिश की है? अरे सबको ही पॉजिटिव रूप में है, एजाज साहब हैं हमसे पूछिए, उन्होंने मुस्तकीम का रोल किया है और उस जो ये रोल कर रहे हैं उसकी पॉजिटिविटी के बारे में इनसे आप पूछिए। क्या कहीं ना कहीं हम भी अपने धर्म को सम्मान देते हैं, करते हैं, इन्हों ये भी करते होंगे, हमारे इनमें क्या फ़र्क है, नाम का फ़र्क है, बाकी हम तो एक ही है ना। आप इनसे पूछिएगा क्या स्क्रिप्ट सुनते वक्त या भूमिका करते वक्त क्या उनको कहीं ऐसा लगा कि ये गलत राह में जा रहे हैं, ये पैसों के लिए फिल्म कर रहे हैं? कलाकार हैं, कलाकार जब चरित्र सुनता है तो अपने आप को टटोलता है कि मैं इसके साथ कितना न्याय कर पाऊंगा, और न्याय वही करते हैं जिनको जिनके अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फिल्में जो है जो बैन की जाती है वो पॉलिटिशियंस के लिए सॉफ्ट टारगेट बन गई है। बिल्कुल बन गई है, क्योंकि फायदा देखिए फायदा उनको ज्यादा हो रहा है। अभी तक संगीत सोम जी का नाम जिन कारणों से लोग जानते थे वो जानते थे, अचानक से वो फिर वापस आ गए, लोग फिर से जान गए, फिर से आ गए। क्यों आ गए? चुनाव, उनको लग रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहा है, इस बहाने हमारे भी हमारा भौकाल टाइट हो जाए। तो साहब हम ये भौकाल टाइट होने के लिए फिल्म नहीं बनाए, हम बहुत ईमानदार तरीके से फिल्म बनाए हैं और हम चाहते हैं कि लोग इसको देखें और देख के फैसला करें। सर और क्या दिक्कत आ रही है अभी आप बताइए, क्या दिक्कत आ रही है? आपने कल इंटरव्यू में कहा कल हमारे साथ कि चीफ मिनिस्टर से आपको सुरक्षा दी जा रही है वहाँ पे, तो लेकिन अभी आपको क्या दिक्कत आ रही है लेवल में? देखिए बड़ा बहुत अच्छा मतलब शब्द इस्तेमाल किया सुरक्षा, मैंने कल भी कहा था कि साहब सुरक्षा का ये मतलब नहीं है कि काउंटर पे टिकट कटे, एक टिकट काटा, एक कांस्टेबल साथ में जाओ जी इनके साथ, ऐसा तो होगा नहीं। प्रशासन ने ये कहा कि आपकी फिल्म अच्छी है तो इसको रिलीज होना होगा, रिलीज होंगे। बाकी हम जो लोग इसके पीछे राजनीति करके आपस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जगह विशेष पे, उसका ध्यान रखा जाएगा, हम सहयोग करेंगे। बाकी विनीत बाबू बताएंगे ना, ये हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, इनसे पूछिए इनका दर्द, स्वतंत्र विजय जी ये बताएंगे इनका दर्द, एक प्रोड्यूसर का दर्द क्या होता है बस। क्योंकि देखिए हमारे पीछे कोई बैकिंग नहीं है, हमारे साथ ना अनुराग जी बैठे हैं, ना तिग्मांशु जी बैठे हैं, ना ही इंडस्ट्री के कोई व्यक्ति बैठे हैं। अब आप सोचिए कि एक ऐसी फिल्म जो हमने पैसे क्यों, पहली फिल्म है, हम कुछ और बना सकते थे, बहुत तरीके की फिल्म बना सकते थे जिसमें लोग कहते ना ये श्योर शॉट इनकम है, ये रिकवरी है। इनका गुनाह क्या कि एक अच्छी फिल्म बनाए और समाज में एक संदेश देना चाहते हैं, इनका गुनाह हुआ? पूछिए इनसे कि क्या किस हालात से गुजर रहे हैं अभी ये। सर
जी, जैसा कि हम लोग 24 को रिलीज करने वाले थे, उससे पहले आप लोग जानते हैं 15-20 दिन 25 दिन से हम लोग सारा प्रमोशन करते हैं, पैसे लगाते हैं, सारा कुछ होता है। हम लोगों को वेडनेसडे को सडनली फ़ोन आता है मेरठ से कि थ्रेट कॉल्स आ रही है कि अगर आप थिएटर में फिल्म लगाएंगे तो ये दंगे हो जाएंगे, ऐसा करा देंगे वैसा करा देंगे, मेरठ, गाज़ियाबाद, मुजफ्फरनगर। फिर हम लोगों ने पता किया कि ऑफिशियली आपको मिला कि अनऑफिशियली मिला, तो लोग बताते नहीं जी हमें तो अनऑफिशियली मिल रहा है। सडनली संगीत सोम साहब टीवी पे आते हैं, उनको बोलते नहीं नहीं फिल्म को हम रिलीज ही नहीं होने देंगे, जो भी हो जाएगा हर हद तक जाया जाएगा। मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आप बिना फिल्म को देखे किस हद तक आप जाएंगे भाई, जो हद हो आप हमको बता दो। आपने हमको आज तक कभी डायरेक्टली फ़ोन नहीं किया कि आप मुझे फिल्म दिखा दो या फिल्म में क्या है, हमारा कैरेक्टर क्या है, ना हमारे डायरेक्टर साहब को फ़ोन आया, ना हमें फ़ोन आया, कभी उन्होंने कोई संपर्क हमसे नहीं किया। डायरेक्टली वो टीवी पे जाके बोले ना उनको चलने नहीं देंगे, किसी भी हद तक चले जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मैं अभी उनको ये चैलेंज करता हूँ, आप आओ फिल्म देखो, अगर आपको फिल्म से कहीं भी लग रहा है कि आपके लेकर के आपके चरित्र को लेकर के हमने फिल्म बनाई है तब तो ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे बोलोगे बिना कुछ देखे सुने तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरठ पे हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, कहीं ना कहीं इन लोगों की एक चेन होती है। अगर मेरठ में आप फिल्म लगा रहे हो वहां से उनको मैसेज आएगा कि नहीं यार फिल्म आप लगाओगे तो ये बहुत बड़ा मैटर हो जाएगा, हम दंगे करा देंगे, ये करा देंगे वो करा देंगे, तो लोग जुड़े हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से। फिल्म के ऑप्शंस उनके पास बहुत हैं थिएटर्स के पास में, वो एक ऐसी फिल्म क्यों लगाएंगे जिनके दंगे लोग कह रहे हैं कि नहीं दंगा हो जाएगा, वो डर रहे हैं कि वहां भी हम लगा देंगे वहां भी ऐसा कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं सपा भाजपा का मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहना है, मुझे संगीत सोम जी को ये कहना है अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट आप बताते, आप हम लोगों से पूछ भी सकते थे या फिल्म को देखने के लिए भी कह सकते थे आप हमें फिल्म दिखा दो, फिल्म में ऐसा क्या है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया सीधे सीधे। अच्छा उनके फॉलोअर्स भी हैं, फॉलोअर्स भी कहीं ना कहीं कभी पुतले जलाते हैं, कभी लखनऊ में कोई प्रदर्शन करते हैं कि नहीं हमारे नेता है उनकी छवि खराब है तो ये गलत हो गया तो वो गलत हो गया। अरे वो बताएं तो सही प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल नहीं, एकदम क्लियर कट था। इनफैक्ट जैसे कि शशि जी ने बताया और हमारे डायरेक्टर साहब ने भी बताया कि बेसिकली जो मेरा कैरेक्टर था वो इनफैक्ट तो ये है कि आज का मुसलमान है, आज का जो यूथ है वो है, तो मैं एक यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और कहीं पे भी ऐसा कहीं नहीं था कि बिकॉज मैं सलीम कर रहा हूँ तो मैं एक मुसलमान हूँ और मैं मेरी जो कौम है या मेरी जो जात है सबसे बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं था। इट इज़ लाइक एक्चुअली ऑल सेड एंड डन एट द एंड ऑफ द डे सारे एक इंसान हैं, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, वो एक मैसेज है। इनफैक्ट मैं क्या, अगर मेरी जगह पे कोई दूसरा भी एक्टर होता तो वो भी एक रोल जरूर करता, क्योंकि एक मैसेज पहुंचाया जा रहा है आप लोगों के पास जनता के पास कि आप ये फिल्म के जरिए देखिए तो सही कि इंसानियत कितनी बड़ी चीज है, वही हम पहुंचाना चाहते हैं। और बिना कोई देखे अगर सब बोलेंगे कि बैन करो तो फिर क्या करें। देख लो, अगर ऐसा लगे कि कहीं पे भी ऐसा कोई पॉइंट है या कुछ है कि हमें नहीं दिखाना चाहिए या बैन करना चाहिए तो बैन कर दो, बेशक बैन कर दो, लेकिन पहले देख तो लो। देखोगे तो खुद ही कहोगे कि नहीं यार ये फिल्म को तो उल्टा सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि सब लोग एक साथ आओ देखो और ये फिल्म को सपोर्ट करो, जब सारे लोग देखेंगे सपोर्ट करेंगे तो ही उनकी आंखें खुलेंगी। ये मुश्किल तो अभी आ रही है जब शूट हो रहा था उस दौरान कुछ ऐसी मुश्किल जैसे किसी का प्रेशर बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या है कि जहां जहां हम शूट कर रहे थे कहीं कहीं शायद उन्होंने स्क्रिप्ट की डिमांड की, स्क्रिप्ट पढ़ी है देखी है, उन्हें पता है क्या हो रहा है हम क्या दिखाना चाहते हैं। इनफैक्ट उस सब जगहों से सपोर्ट ही आया है हम लोगों ने बहुत सारे सीन्स में। इनफैक्ट जो वहां के लोग हैं रियल जो लोग हैं जो स्पेक्टेटर थे जो देख रहे थे जो जनता है उन लोगों को भी शामिल किया, वो भी पार्ट ऑफ फिल्म है पार्ट ऑफ द सीन है। वो भी इसलिए हो गया कि वाह ये तो अच्छी चीज दिखा रहे हैं क्यों नहीं हम भी करेंगे क्यों नहीं चलो। सो ऐसा था सर, कॉपीराइट का एक मुद्दा था जिसमें कोर्ट में भी गई है फिल्म, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी अच्छी बात कहना चाहेंगे, उनका भी चमक गया, उनकी किताब का नाम लोग जानने लगे। अरे साहब कैसे, मतलब फिल्म कब हमने लिखी कब आज रिलीज होने पे है, उनको लगा कि चलो मुद्दाओं का दौर चल रहा है तो इनका भी एक नाम ले लें भाई, हमारी फिल्म इस पर आधारित है। एक अक्षर अब देवनागरी लिपि का एक एक क ख ग मिलाएंगे तो हो सकता है वो क्लेम कर दें, शब्द कैसे मिला लेंगे विचार कैसे मिला लेंगे, उनकी विचार अपनी तरीके है हमारी विचार अपने तरीके के। देखिए जब मैंने ये फिल्म साइन की थी तो
मेरा नज़रिया ये था कि ये कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, ग्रे है. ये कैरेक्टर तंगा पीड़ित है और इस वजह से ये किसी के बहकावे में आके कुछ हद तक रेडिकलाइज हो जाता है या एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है. तो मेरे अंदर का एक्टर तो यही चाह रहा था कि मैं ऐसा किरदार निभाऊं. बट व्हेन आई स्टार्टेड शूटिंग द फिल्म, जब मैंने कुछ लोगों से बात की, कुछ लोगों की साइकी समझने की कोशिश की, तो फिर जब हम डेप्थ में गए तब समझ में आता है कि कोई इंस्टेंटेनियसली गलत नहीं होता, वो तब वही करता है जो उसे लगता है कि सही है. और सबकी अपनी रैशनैलिटी होती है, सबने जो भी किया है सही गलत वो उस वक्त उन्हें सही लगा इसलिए किया. तो वो मैंने कोशिश की कि मैं वो समझूँ और अपने कैरेक्टर में लाऊँ. शूटिंग के वक्त तो हमें कुछ तकलीफ हुई नहीं, एज हितेन बता रहे थे कि सबका सपोर्ट मिला. इनफैक्ट एक नरेंद्र झा जी के साथ एक सीन था जहाँ वो एक भड़कती हुई स्पीच दे रहे थे, तो इनफैक्ट उन्होंने पहले माफ़ी भी मांगी लोगों से कि हम ये एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे कुछ नेता लोगों को बहका सकते हैं. तो ही अपोलोजाइज्ड कपल ऑफ टाइम्स एंड देन वी डिड दैट सीन. तो सब जगह से कोऑपरेशन तो हमें मिला. आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड कि इस फिल्म को लेके ऐसी हवा चली है. मैं तो यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें. इस फिल्म में कहीं भी किसी को भी ना ऊपर दिखाया गया है, ना नीचे दिखाया गया है, ना सही दिखाया गया है, ना गलत दिखाया गया है. सिर्फ एक नज़रिया पेश करने की कोशिश की है जो आज की तारीख में बहुत एप्ट है और बहुत ज़रूरी है. यार डिस्क्लेमर तो पहले दे ही देंगे आई थिंक. और क्या होता है कि जो सारे कैरेक्टर्स होते हैं कहीं ना कहीं आप तो बोलोगे यार ये तो उसकी तरह ही है, ये तो उसके जैसे ही है. सलीम तो है तभी वो कनेक्ट कर रहा है, तभी तो आपको पसंद आ रहा है. हो सकता है, यू नेवर नो. देखिए बड़ा इत्तेफाक है कि नाम का जो सुर है ना वो ऐसा है कि लोग जान जाएं. लोगों को प्रॉब्लम इसी से हुआ. पहले हमारा ये था कि यार नाम लोग सुना सुना लगे. अब किसी ने कहा कि यार आपने अखिलेश यादव को दिखाया है मिथिलेश यादव. मेरे बाबूजी का नाम है मिथिलेश. मैं कहूँ कि मेरे पिताजी का नाम है मिथिलेश कुमार वर्मा. नहीं, नाम अगर कोई आदमी गढ़ता है चरित्र तो वही वही उसको मैं वही बोल रहा हूँ कि नाम का लाभ होता नहीं है यार. नाम सुना हुआ लग रहा है तो कनेक्ट कर जाएगा. देखिए बहुत छोटी सी कोशिश ये थी कि भाई नाम जाने पहचाने लगे, मगर किसी का चरित्र हनन नहीं किया गया इस फिल्म में. कोई अगर आदमी ढूंढता है, अब जैसे एक बार जगह मैंने भी कहा ना कि अब रामानंद सागर ने रामायण बना दिया, अब उसमें जाकर कोई खड़ा हो जाएगा रावण का किरदार दिखा रहे हो, मेरा छवि खराब कर रहे हो, तो इतनी असुरक्षा की भावना क्यों है भाई. कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं अगर आप गलत हैं तो ही आपको चिंता का विषय चिंतित हो रहा है ना. अदरवाइज क्या जरूरी है. आप एक फिल्म को फिल्म की तरह देखो. परजानिया रिलीज हुई कि नहीं, सत्य घटना पर आधारित है, बाकायदा नाम लेकर किया गया उसमें. मतलब देखने के बाद फिल्म आप रिलेट करते हैं ना कि हाँ ये ऐसा वैसा. जब वो फिल्म रिलीज होती है जो सत्य घटना पर आधारित है. हमारी फिल्म तो यार देखिए कोई भी लेखक अगर स्क्रिप्ट लिखता है तो आसपास के घटनाओं को अपने अनुभवों को समझौता है, फिर लिखता है, उसी हिसाब से चरित्र गढ़ता है. तो दिन को दिखाने के लिए रात दिखाना ज़रूरी है, अमीर को दिखाने के लिए गरीब को दिखाना ज़रूरी है, तो बैलेंस होता है. तो वही कोशिश की गई है इस फिल्म में. लेकिन इसको कोई व्यक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका राजनीतिकरण कर दे और ये कह दे कि साहब हम फिल्म रुकवा देंगे, अरे अपनी न्याय प्रणाली मत चलाइए आप. अगर ऐसा होता सेंसर बोर्ड पास नहीं करती फिल्म. फिल्म कोर्ट में, इलाहाबाद कोर्ट में गई थी ना सर, पीआईएल हुआ था, वहाँ पे उस पर कार्रवाई शुरू हो जाता, वहाँ से भी खारिज हुई है. जब सब कोई साथ है तो आप हमारे फिल्म के खिलाफ क्यों लगे हुए हैं. अभी दो दिन पहले अर्णब गोस्वामी को नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर कोई ऐसा उनके पार्टी का व्यक्ति कुछ ऐसा करता है तो वो उसका इंडिविजुअल मतलब सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध किया था ना उनके आरबीआई गवर्नर का, तो उन्होंने कहा तो नरेंद्र मोदी का कोई ऐसा हाथ भी लगता है कि वो भी इस तरह से करते होंगे, कुछ लोगों को कहते होंगे. तो
तो अगर बात बढ़ेगी तो नैतिक जिम्मेवारी उनको लेनी पड़ेगी और इसका और ये इस बात का इंतजाम किया जाएगा कि उन तक ये बात पहुंच जाए। नहीं, कोई आदमी व्यक्ति विशेष कैसे हो गए? जैसे आप एमएलए हो, एक विधानसभा से आप चुन करके आए हो, तो आप व्यक्ति विशेष कैसे हो गए? आपको जनता ने वोट दिया, वोट दे करके आप आगे हो, उनके आप रिप्रेजेंटेटिव हुए ना, तो आप नहीं बोल रहे हो, आपके पीछे पूरी की पूरी विधानसभा, पूरे पूरे लोग बोल रहे हैं। अगर ये कह देना नहीं कि उनकी व्यक्ति, तो आप उनको व्यक्तिगत कर दो कि आप इंडिविजुअल हो, आपसे भाजपा का कोई मतलब नहीं है। आज संगीत सोम कुछ भी वहाँ कहते हैं तो लोग उनके फॉलोअर्स हैं, उसी को फॉलो करते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो व्यक्ति विशेष अब रहे, क्योंकि जनता ने उनको चुन करके आगे भेज दिया ना, अब वो कहाँ व्यक्ति विशेष रह गए या एक इंडिविजुअल हो गए। वो तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना भाजपा को, मेरठ की जो उनकी विधानसभा है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ के सारे फॉलोअर्स उनके हैं, तो वो कहाँ से इंडिविजुअल हो गए? नहीं, चोट कैसे पहुंचा रहे, वही तो मैं समझना चाह रहा हूँ, उनको कैसे लग रहा है भाई? हमने अगर, जैसे काफी लोग बता रहे हैं मुजफ्फरनगर दंगों पे है, मुजफ्फरनगर दंगों पे, हमने तो कहीं से नहीं कहा मुजफ्फरनगर दंगों से फिल्म है। आप मुजफ्फरनगर दंगों को आप सुनने के बाद में आपने ये बोल दिया नहीं इसमें मेरा रोल हो गया, हम तो आपसे बोलने नहीं गए ना कि संगीत सोम जी आपको रंजीत ओम बना दिया गया है, ऐसा तो हमने कभी बोला नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनको। नहीं, हम तो उनके सीएम हाउस में भी हमने संपर्क किया है इस चीज़ को लेके कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही, तो हमें आश्वासन भी मिला कि नहीं आपने फिल्म बनाई है, बहुत मेहनत से लोग फिल्म बनाते हैं, एक साल डेढ़ साल दो साल आप लोगों ने दिया है, इतना पैसे लगे आपका सब कुछ है, तो आप फिल्म को रिलीज़ करो, हमसे जो हो पाएगा हम आपकी मदद करेंगे और जिस स्तर पर आप बताएंगे उस स्तर पर आपकी मदद की जाएगी, तो ये हमारी उनकी बात हुई है। सर, जैसे अभी आपने कहा कि आपके पीछे कोई बड़ा बैकअप नहीं था अनुराग जैसे, तो अगर आपको ऐसा लगता है अगर ये शोरगुल, अगर साजिद नाडियाड वाला या कबीर खान या अनुराग जी अगर बनाया गया ना, उड़ता पंजाब देखिए, बनाया ना उनको, उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा ना भाई इस तरह की बात नहीं है, तो लेकिन क्या था, वो ये लोग तथाकथित सम्मानित लोग हैं तो लोग इन साथ खड़े रहे, मेरा ये था कि भाई लोग आए हमारी फिल्म को भी सपोर्ट करें। नहीं, कोशिश तो की गई लेकिन सबने आश्वासन दिया, नाम नहीं किसी का लूंगा, हाँ तो नहीं अभी तक तो नहीं आए, नहीं अभी तक तो कोई नहीं आए। देखिए वही बात है, वो नेता के रूप में इस फिल्म में नहीं है, उनकी क्रियात्मक अभिव्यक्ति है इस फिल्म के साथ, वो अच्छे लेखक हैं, वो अच्छे गीतकार हैं, जिनको जिन चीजों को हमने एक्सप्लोर किया इस फिल्म में, लोग उनके राजनीतिक पक्ष को देखते हैं तो ये गलत है। क्या गीत से गीत सुन, उनके फिल्म के गीत सुनिए, बहुत अच्छे गीत बने हैं इसके, उस गीत को सुनने के बाद लगता है कि एक आदमी मतलब उसमें कुछ पॉलिटिशियन मतलब पॉलिटिक्स ढूंढी है उसमें, इस गीत में सरकार भी कभी बन नहीं पा रही ना कई सालों से कांग्रेस की यूपी में नहीं, गाने तो उन्होंने फर्स्ट टाइम नहीं लिखे हैं, इससे पहले भी बंदूक फिल्म आई की आई थी उसमें उन्होंने गाने दिए हुए, तो ये उनका अपना एक अलग हुआ है, हम लोग खुद ही गए थे कि सर कुछ गाओ तो आपके पास आज हमें दो। सर, ये जो फिल्म है जो आपकी, आपके अंदर जो मुजफ्फरनगर है, काउ इशू है मेन इम्पोर्टेंट, बीजेपी का जो पिछले सालों से एक काउ इशू है, लव जिहाद के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि ये फिल्म दिखा रही है, तो अगले साल जो चुनाव होने जा रहे हैं 2017 में, तो इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है कि यूपी से गवर्नमेंट चाहती कि वहां से ज्यादा उनके वोट आए, तो ये फिल्म उनको इफेक्ट कर सकती, इसलिए शायद आपने इस तरह का ये दिखाया जा रहा है पूरी तरह से, तो ये बीजेपी की छवि और संगीत सोम की छवि इफेक्ट हो रही है, इसके वजह से वो सोच हो सकती है। सर, आप जो बोल रहे हैं ये हो सकता है एक सोच हो, लेकिन हम इससे काउ इशू यूपी में पिछले बिहार आपने देखा रहेगा चुनाव में, तो काउ इशू पेपर्स में दिखाई देते, एडवर्टाइजमेंट दिखाई देते, तो ये मुजफ्फरनगर राइट्स के बारे में है, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इशू था वहाँ का, तो ये बॉलीवुड के आपने देखा रहेगा कि सलमान खान को भी इसमें लिया गया था, सलमान खान डांस बॉलीवुड के साथ, सब लोगों ने माफ़ी भी मांगी थी, तो मुजफ्फरनगर बहुत प्रॉब्लम था पूरे देश का, राइट एक बड़ा इशू था, ये फिल्म उसके ऊपर है पूरा। नहीं नहीं नहीं, मुजफ्फरनगर की तो बात ही नहीं है ना, मतलब ठीक, आप इस फिल्म को वैसे ही ट्रीट कीजिए ना जैसे बाकी फिल्म, जैसे परदानिया देखा आपने या उस तरह की फिल्म को देखा, मतलब इस फिल्म में राजनीति के अलावा प्यार की बात कीजिए, इस फिल्म में सुहा है, इस फिल्म में अनिरुद्ध जी हैं, इस फिल्म में सलीम है, इन दोनों का आपसी प्रेम भी है, गाने भी हैं, उनको भी देखिए ना, इनके साथ अगर हम कोई बात कहना चाहते हैं,
भाई किसी के प्रेम को अगर कोई आदमी उसका उसका फायदा उठाना चाहता है, अच्छा इसको ऐसे करवा देंगे, उसको ऐसे लड़वा देंगे, तो अपना फायदा हो जाएगा। सर वन सिंपल क्वेश्चन, आर यू अपसेट दैट बॉलीवुड हैज नॉट सपोर्टेड यू इन दिस इशू अनलाइक उड़ता पंजाब व्हेन द एंटायर फ्रेटर्निटी केम टुगेदर? इफ द सपोर्ट वुड हैव बीन देयर इट वुड हैव बीन वेरी गुड, वी वुड हैव बीन वेरी वेरी हैप्पी। अपसेट नहीं है, अगर उनका सहयोग आ जाता, समर्थन आ जाता तो और अच्छा होता। मैंने बोली नहीं, नहीं वही मैंने बोला जो आप बोल रहे हैं। पर क्यों नहीं आता है, मतलब व्हाई दे नॉट स्टैंड यार? अभी ये तो पता नहीं, अभी ये कैसे बोले यार, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि लोग कुछ करते हैं नहीं करते, मे बी यू नो दे थिंक दिस फिल्म इज नॉट वर्थ इट, यू नो दे आर थिंकिंग वी आर नॉट बिग शॉट्स येट। ये होगा येट, अगर ये फिल्म हमारी चल जाए और ऐसा ही कुछ अगले बार हो जाए तो वह सब लोग आएंगे। बिग नेम्स फ्रॉम बॉलीवुड टू मे प्रोबब्ली कम अक्रॉस कम आउट इन सपोर्ट, मे बी ट्वीट अबाउट इट और यू नो एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बिकॉज़ दैट इज व्हाट हैपेंड इन उड़ता पंजाब। आई थिंक द होल आईडिया ऑफ गेटिंग यू पीपल टुगेदर इज टू से व्हाट वी वांट टू से, व्हाई वुड वी नीड अनदर रिप्रेजेंटेटिव टू टॉक अबाउट अस? वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेटर्निटी बिकॉज़ द फ्रेटर्निटी एट लार्ज गेट्स अफेक्टेड, लाइक यू नो व्हेन थिंग्स लाइक दिस हैपन। आई मीन व्हाई वुड, लेट्स सेट एन एग्जांपल दिस टाइम, राइट? लेट्स सेट एन एग्जांपल सो दैट एवरीवन इज सेट विद उड़ता पंजाब। So obviously big producers are involved. My question simply is, because big producers are not involved in this particular film, is that the reason why we don't see a whole number of members of the fraternity coming together to support this small player? I can't give a clear answer. I mean, this is one of the reasons also. One of the reasons. Can be one of the reasons you can quote on that. Might be. Thank you. एक को हम पूरे पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं फिल्म को रिलीज करने की, तमाम अड़चने अभी भी आ रही हैं। हम कम वापस कल जा रहे हैं लखनऊ और वापस सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमको मुझे उम्मीद है कि हम तकरीबन 700-750 स्क्रीन पे आना चाहते हैं और वो आएंगे। देखिए अगर हम सही हैं तो ऊपर वाला साथ में, हम वही कहना चाहेंगे। एक सवाल है आपसे, क्या आपने अमित शाह से बातचीत का लेटर लिखा है आपने बीजेपी के कार्यालय में या इस तरह के, क्योंकि एक व्यक्ति विशेष एक फिल्म रोकना बहुत बड़ी बात हो रही है। बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो रही है। तो अगर एक आदमी फिल्म रोक रहा है तो बहुत बड़ी बात है, तो क्या आपने बीजेपी के बड़े पार्टी नेता से बातचीत कर रहे हैं, फ्यूचर में बात करेंगे, क्योंकि अगर ये फिल्म रुकती है तो? हाँ, अब अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर अब जैसे आपसे बात हो रही है तो हम हर वो जगह, हर वो दरवाजा खटखटाएंगे, हर वो दरवाजा खटखटाएंगे जहां से लगता है मुझे न्याय मिल जाएगा, हमारी फिल्म कोई रोक नहीं सकता। अगर इस बार फिर कोई चाल चली जाएगी या कोई षड्यंत्र रचा जाएगा उसका हम पुरजोर खंडन करेंगे, और बता रहा हूँ हर एक दरवाजा जाएंगे, चाहे वो लगेगा कि नरेंद्र मोदी को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए अगर अगर फिल्म रुकती है उधर। ये तो बोला ना कि मैं जाऊंगा उनके पास, अगर रुकती है तो लगता है आपको उनकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी आप ही लोग माध्यम हो, आप ही लोगों के माध्यम तक उनसे उन तक बात पहुंचेगी नहीं, उन तक पहुंचना भी 15 दिन 20 दिन 25 दिन कितना टाइम लगे क्या पता, आप ही लोग माध्यम हो। डू यू थिंक दिस कंट्रोवर्सी यू नो फॉर्चूनेटली और अनफॉर्चूनेटली विल हेल्प योर फिल्म इन गेटिंग मोर फुटफॉल्स? ऐसा कुछ भी नहीं है। 24 को आप ना उड़ता पंजाब के साथ कंट्रोवर्सी, 17 को रिलीज कर ले गए, हमारे साथ क्या हुआ कि हम सीधे सीधे एक हफ्ते शिफ्ट हो रहे हैं। एक हफ्ते शिफ्ट होने के लिए आपको कैंपेन प्लान और सारी चीजें कैसे आप प्लान करते हो ये सब भी आप सोचो, कितने लॉसेस होते हैं। आपने टीवी पे इतने सारे एड्स दिए, न्यूज चैनल्स पे आप चल रहे हो, रेडियो पे आप एड्स दे रहे हो, तो वो लॉस भी तो है, तो वो लॉस कैसे? एक हफ्ते डेट शिफ्ट होना ये बहुत बड़ी बात होती है, हम अगर प्रॉब्लम में नहीं तो हम क्यों शिफ्ट करते, हम 24 को ही ना आ जाते। इस विषय का चयन करने के बाद क्योंकि इतनी सारी मुश्किलात आई हैं और आप गुहार लगा रहे हैं कि हमारी फिल्म रिलीज हो, हम लोगों से मिले जी, तो फिर अगली बार आप कैसे विषय का चयन करेंगे कि बहुत सॉफ्ट और रोमांटिक कुछ कॉमेडी हो ताकि रिलीज आसानी से हो जाए? ये हम तो हर तरह का कहानी गढ़ेंगे, ये तो हमारे प्रोड्यूसर तय करेंगे कि अब ये फिल्म बने, इस तरह की फिल्म बनाए कि नहीं बनाए। लेकिन मुझे सोचिए ना कितनी कितनी बड़ी बात है कि पहली फिल्म बनती है और ऐसी बनती है, सोच समझ के थोड़ी बनाएंगे कि यार हम फिल्म बनाते हैं और इसका विवाद क्रिएट करेंगे और फिर रिलीज करेंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत फतवे का हमने जवाब दे दिया है ऑफिशियली, हमने उनको पत्र लिखा हुआ है कि फिल्म का भी आप 10-20 सेकंड का एक प्रोमो देख करके मत तय करो कि फिल्म में मुस्लिम हावी मतलब प्रभावित हो रहा है या हिंदू प्रभावित हो रहा है, आप पूरी फिल्म देखो, फिल्म के रिलीज होने के बाद आप फतवा इशू करो
कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो हमने उनको एक बकायदे पत्र लिख दिया है। और बाकी ये कि जिसको भी विरोध हो, एक तारीख को हमारी फिल्म आ रही है, फिल्म को देखने के बाद में आपको जो भी विरोध हो वो करो, लेकिन एटलीस्ट हमें आने तो दो। सबकी कितनी मेहनत लगी है, एक आदमी से फिल्म नहीं बनती, सैकड़ों लोग लगते हैं, न जाने कितनी हम लोगों ने मेहनत करी है, पैसे भी लगे हैं, सारा कुछ है, सबकी मेहनत है। तो एक तारीख को हमको आने दीजिए, आने के बाद में फिर जो भी होगा फिर देखेंगे विरोध है क्या है। लेकिन मैं चाहूंगा एक तारीख को रिलीज अगर हो रही है फिल्म हमारी, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सपोर्ट करें। अगर मान लीजिए, अगर आप, मैम ने क्वेश्चन पूछा था कि मीडिया का सपोर्ट होता है कि नहीं, तो यहाँ मीडिया का सपोर्ट कर देना ना, हो सकता है कि हमारा पैसा कुछ कवर रिकवर हो जाए वहाँ से, अगर आप लोग बिल्कुल। और ये हमारी फिल्म ह्यूमैनिटी पे, हम कोई दंगा वंगा नहीं फैला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मानवता का एक पार्ट हमने पढ़ाया दिखाया हुआ है और कुछ नहीं। अगर आप लोग ट्रेलर देखने में इच्छुक हो तो अभी देख रहे हैं, ट्रेलर चल जाए देखना चाहेंगे। उधर भी लिया, इधर भी।